बिहार उत्तर प्रदेश और फेडरेशन मुरादाबाद और इन मेकर्स के दौरान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें नंदकिशोर ACF फूड मुरादाबाद मंडल उपस्थित रहे, साथ ही पीके सिंह भी उपस्थित रहे। हम आपको बताते चलें कि सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं सभी तिल व्यापारियों को उपस्थित कर उनको फर्टिफिकेशन की जानकारी दी गई और किस तरीके से फर्टिफिकेशन किया जाएगा पूरा प्रैक्टिकली सारे व्यापारियों को समझाया गया। पुलिस काम को इसलिए कह रहा हूँ कि आप जानते होंगे कि भोजन हमारी प्राइमरी नीड है, हम लोग रोज खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन बड़ी मात्रा में हमें इसकी जरूरत पड़ती है और उसको लोग देते हैं। ये सेमिनार का आयोजन किया गया किस उद्देश्य को लेकर किया गया? देखिए, ये कार्यक्रम जो है ऑयल फोर्टिफिकेशन भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इसमें जो खाद्य तेल में फोर्टिफाइड करके यानी उसमें विटामिन ए और डी की मात्रा मिला के आम जनता को इसको लाभार्थी किया जाए। होता क्या है कि विटामिन ए और डी से बहुत सारी कमियां होती हैं, उसके लिए हम अलग से कोई चीज़ ले नहीं पाते। तो चूँकि तेल एक ऐसा माध्यम है खाद्य तेल जो कि अमीर गरीब हर वर्ग इसको लेता है, तो अगर हम इसी में एज ए सप्लीमेंट विटामिन ए और डी की मात्रा अगर कर देते हैं तो जो हम कुपोषण से लोगों को बीमारियां होती हैं उस बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो उसी के तहत यहाँ मुरादाबाद में हमारे तीन जो है प्रतिष्ठित फर्म हैं बाबा ट्रेडर्स, अमर ट्रेडर्स और गुरु के साथ, इन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और इसको टेक्निकल प्रोसेस के द्वारा फोर्टिफाइड तेल करा के हम जनता को ये उपलब्ध कराया जाए जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लगभग कितने और जो ऑयल्स कैंपस हैं और शॉप्स हैं, मेकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो लोग कब तक इसको? देखिए, ये फोर्टिफाइड ऑयल्स हमारे वेस्टर्न इंडिया में पहले से ही चल रहा है, वहाँ जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे अदानी वगैरह हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को उपलब्ध कराए हुए हैं जी। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे भी पैकर्स हैं जो कि माल को मंगा लेते हैं टैंकर्स में और ऐसे ही ऐसे कुछ लोग भेज देते हैं, तो उनको भी ये चीज़ें तो इससे हम विटामिन ए जैसे विटामिन ए की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस है, डी से डीगर की बीमारी होती है, तो उन सब बीमारियों पे हम काबू पाया जा सकता है और एक अच्छा खासा अमाउंट जो हम अपनी बीमारी पे खर्च करते हैं उससे हम बच जाएंगे।